अब डेटाबेस फॉर्मूले के अंदर हम बात करते हैं डी गेट फॉर्मूले की। डी गेट फॉर्मूले जैसे कि अब मुझे मान लीजिए यहां पे लुकअप करना है कि पूजा जयपुर में और एरिया हमने नॉर्थ में जगह ईस्ट कर लेते हैं ईस्ट कितनी क्वांटिटी सेल की राइट। तो इसके लिए अगर मेरे वीलू कप के मेथड पे चलते हैं तो फिर आपको कॉपी पे ए करना पड़ेगा, एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, कॉलम इंसर्ट करने के बाद उसका माइनमेंट करना पड़ेगा ना सर। बट डी गेट फॉर्मूला आपको यहां पे ला के दे देगा। डी गेट फॉर्मूला डी गेट आप डेटाबेस को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को सिलेक्ट किया हमने और उसके बाद अपनी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया और रिजल्ट आपके सामने 52 आ गए। आ गया सर यह 52 समझ में आप लोगों को। बट डी गेट फॉर्मूले में छोटी सी प्रॉब्लम है, डी गेट फॉर्मूले में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर दो प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैंने इसको रिपीट कर दिया, इस कंडीशन को रिपीट कर दिया तो नम आएगा, मतलब कि अगर आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं अगर वो आपके डेटा में रिपीटेड हुआ तो यहां पे आपको नहीं देगा। जैसे वी लुकअप आपको पहला दे देता है ना, बट ए पहला नहीं देगा, आपका हैश नम का एरर देगा। पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये एक डेटा पे नहीं लगाया जा सकता। जैसे मान लीजिए मुझे कविता पुणे और साउथ का चाहिए राइट, तो मैं यहां पे डी गेट का फॉर्मूला कैसे लगाऊं, क्योंकि डी गेट के अंदर हमें जो देना होगा वो हेडिंग के साथ देना होगा। बात समझ रहे, अब ये कैसे दूं डी हेडिंग के साथ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके और कॉमा करके इसको सिलेक्ट करूं, मुझे लगता है कि सही होगा है क्राइटेरिया में, क्या लग रहा है, सही होगा सर? सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत होगा, कोई कॉमा लग गया ना सर, तो यहां पे हमें लेना किसका है, पार्टनर का। आगे आ गया है सर, तो नहीं होता है, नहीं क्योंकि इसको हेडिंग के साथ ही सिलेक्ट करना हुआ, मतलब कि मुझे अगर नीचे चाहिए तो मुझे इसके ऊपर इसका हेडिंग रखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करूंगा तो आएगा, तो आ जाए वो भी रिपीटेड है, इसमें नहीं आया। क्या है आपका, कविता पुणे साउथ, मैं साउथ की जगह पे ये कर देता हूँ, नॉर्थ कर देता हूँ और यहां पे नॉर्थ लिखता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो जी लुकअप से बेटर फॉर्मूला था डी गेट का फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं, सम इफ के, सम इफ भी है ना, सम इफ से ही बेटर होता है ये। नहीं, सम इफ में तो डुप्लीकेट को सम कर देता है ना, फिर गलत हो जाएगा ना सर। अगर मान लीजिए कि हम इसमें पूजा पांच बार रिपीटेड है तो स्वामी तो पांचों का रिटर्न को सम दे देगा ना। हाँ, वो दे देगा। तो देखिए समराइज दो चीज है, समराइज एक अलग मेथड है और लुकअप एक अलग मेथड राइट। समराइज का मतलब हुआ कि अगर वैल्यू जितना बार भी डेटा में रिपीटेड है उनका टोटल दो राइट। अब टोटल में सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, मिन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, डेविएशन हो सकता है, डेविएशन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन राइट। राइट, लुकअप में क्या होता है कि भाई फलाने को लुकअप करो, अगर वो पांच बार रिपीट हो रहा है तो आप पहला या आखिरी या बीस का जो भी लुकअप करना चाहते हो लुकअप करो, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करो।
बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए आप एक इसमें जाते हैं, बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर देते हैं, अब वो आपके अकाउंट से वो अपना आपका ट्रांजेक्शन देखना चाहता है, तो ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि सारे ट्रांजेक्शन अगर समिप के मेथड पे होंगे तो अगर मान लीजिए महीने में आपने 20 ट्रांजेक्शन किए हैं तो 200 ट्रांजेक्शन का टोटल जो हो जाएगा ना आपको सर कि आपने इतना हुआ, लेकिन तब क्या होगा कि आपको अगर ये करना है अपनी ट्रांजेक्शन को मैच करना है, रिकंसिलेशन करना है कि मैंने बैंक में मेरा पैसा कितना गिरा और मैंने कितना चेक डिपॉजिट किया, उसका रिकंसिलेशन करना है, तो क्या लग रहा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना जी, क्योंकि उस समय आपको सारे ट्रांजेक्शन आपको चाहिए, लिस्ट में चाहिए, तो वहां पर हमारा लुकअप मेथड वर्क करेगा। ठीक है? ठीक है सर, चलिए।